कर जाना देते हम भूख से मर जाते, इसलिए जाके हम मैच हार के। हमने तो अपने मुल्क को ज्यादा तरजीह दी भाई। वो वंडरफुल पिच, आज इधर यूएस और पाकिस्तान के मैच होने वाला है और अभी टॉस होने वाला है, देखता है कि कौन टॉस। इधर है बाबर आजम और मुनैन पटेल, चलो अब स्टार्ट करें। वंडरफुल वंडरफुल, और इधर आया खप्पा। चलो भाई, यूएस ने पाकिस्तान को दावा दे दिया है। बाबर आजम, आपको कैसा लगा टॉस विन करके? जी हम खेलते हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है, अभी जीत के जाएंगे हम अभी। पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम आ रहे हैं और देखते हैं कि कैसा खेलते हैं ये, बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वेल डन वेल डन वेल डन वाले, और पहले ओवर की पहली बॉल होगी। चलो भाई, अपनी टीम को तरतीब देते हुए वेल डन भाई, वेल डन वेल डन। वो क्या स्पीड है, वंडरफुल वंडरफुल। पहली बॉल में पहला प्लेयर आउट, बाबर आजम बड़ी परेशानी में। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान, बड़ी विकेट चली गई। अगर ये तेज बॉल ना फेंकता मैं आउट भी ना होता। मोहम्मद रिजवान, और इसने पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज देखते हैं, ये भी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वेल डन भी वेल डन, क्या एक्शन किया है। कमाल भी कमाल, क्या बात है क्या बात है, वेल डन। ये पांचवी बार है और देखते हैं क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। वाह, बाबर आजम ने क्या शॉट मारी है, यह छक्का हो गया। जसबीर से बाबर आजम खेल रहे हैं कि क्या काफी अच्छी लीड देंगे। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, क्या बॉलिंग है। मोहम्मद इरफान आउट, पाकिस्तान टीम का और होनहार खिलाड़ी आउट हो गया। 108 स्कोर, मोहम्मद इरफान मुंह लटका के बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया ना, इस वजह से अभी जा रहे हैं शहीन शाहरुद्दीन, देखते हैं कि ये क्या करके दिखाते हैं। अभी कुछ लीड नहीं बनी, 158 रन कुछ भी नहीं है, वंडरफुल। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। स्टंप आउट हो गए शहीन शाहरुद्दीन, स्टंप आउट हो गए, लास्ट विकेट भी गायब। क्या बाहर रहे हैं, मुंह लटका के और गुस्से में, पसीना पसीना है। अगर बाहर ना निकलता तो आउट ना होता। के लिए पटेल आ गए हैं और पटेल बहुत ही पुरजोश हैं। क्या ही बात है, सिक्सर पे सिक्सर, पहले ओवर पे पहली बॉल पे ही पटेल ने सिक्सर मार दिया। लास्ट बॉल होने वाली है, क्या ही बात है, शहनशाह अफरीदी को लगे हैं 5 छक्के पटेल समझाते हुए। बहुत साइड नजर आ रहे हैं बाबर आजम, वंडरफुल। बीडर ने निकाला है सिंगल और स्कोर हो चुका है 150। चलो भाई, पटेल फुल एक्साइटेड, क्या बात है, पटेल ने और सिक्स मार दिया। आज तो पटेल ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, स्कोर जो हो चुके हैं ये 4 रन है। क्या बात है, पटेल ने रिकॉर्ड और रिकॉर्ड तोड़ दिया, सिक्स मार दिया, वंडरफुल वंडरफुल। जैसा कि आपको पता है, यूएसए की टीम जीत चुकी है और पटेल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आए पटेल से पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है पटेल को। पटेल आप क्या कहना चाहेंगे? I am happy. My struggle the team. क्या बात है, क्या बात है, टीम ने मेहनत की है कहते हैं जी। ओए, अभी लेते हैं उनसे, पाकिस्तान की टीम से जो हार चुकी है, कि उनको कैसा फील हो रहा है कि फाइनली हार चुके हैं। शहनशाह अफरीदी से पूछते हैं कि इसने इतने छक्के खाए, इतने छक्के खाए, जिंदगी भर में ऐसे छक्के नहीं खाए। शहनशाह अफरीदी आप कहना क्या कहना चाहेंगे? बस यार, हमें ज़हनी डिप्रेशन दिया गया। क्या सुना आपने, इन लोगों को ज़हनी डिप्रेशन दिया गया, इस वजह से इसका कहना है कि हम मैच हार चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, क्या मकसद है, क्या है इसका, क्या रीजन है? वो हमारे मुल्क की बात थी, बस आप सुने इस बात को। रिजवान का कहना है कि इसमें मुल्क की बात थी, हम इस वजह से मैच हार रहे हैं। बाबर आप क्या कहना चाहेंगे, आप तो इस टीम के कैप्टन हैं। बस भाई, हमें परेशानी थी, बीच में वतन की बात आ गई, मुल्क की बात आ गई, इस वजह से हमने मैच से ज़्यादा अपने मुल्क को तरजीह दी। उन्होंने हमें धमकियां दी कि हम आपका लोन कर्जा बंद कर देंगे और मोदी को बोलेंगे कि पाकिस्तान में पानी छोड़ दे, अगर पानी छोड़ दे फिर पाकिस्तान डूब जाता, कर्जा न देते हम भूख से मर जाते, इसलिए जैसे हम मैच हार गए। हमने तो अपने मुल्क को ज़्यादा तरजीह दी भाई। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा गई साहब, ने सुन लिया ना कि इनको ज़हनी डिप्रेशन है, इनको टॉर्चर किया गया कि हम आपको लोन नहीं देंगे, हम आपको इंडिया को कह के पानी छुड़वा देंगे, ऐसा वैसे बातें करके इन लोगों को टॉर्चर किया, इस वजह से ये मैच हार चुके हैं।